नमस्कार, फूडी थेरेपी में आप लोगों का स्वागत है। अप्रैल में कटहल का सीजन होता है, तो इसीलिए आज मैं सोची कि कटहल का प्रिजर्व यानी कि जैकफ्रूट प्रिजर्व बनाऊंगी। आइए चलते हैं जैकफ्रूट प्रिजर्व बनाने। ये कटहल है, इसको मैंने इस तरह बीज निकाल के रेडी करके रखा है। अब इसे मैं छोटे छोटे साइजेस में चॉप करूंगी। देखिए, मैंने कटहल को छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। अब इसे मैं पकाऊंगी। मैंने कुकर में कटा हुआ जैकफ्रूट डाला है। अब इसमें मैं एक ग्लास पानी डाल के इसको दो तीन विजल पकाऊंगी। देखिए, कटहल के फल को मैंने अच्छी तरह से कुकर में पका लिया है। अब मैं इसको तब तक चलाऊंगी जब तक ये साइड ना छोड़ दे। बीच में मैं इसमें गुड़ भी डालूंगी। देखिए, कटहल अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। वैसे तो ये कटहल बहुत मीठा है, फिर भी मैं डाल रही हूँ। मैं घी भी डाल रही हूँ क्योंकि घी डालने से ये ज्यादा दिन तक खराब हुए बिना रहता है। कटहल का प्रिजर्व अभी थोड़ी देर के बाद रेडी हो जाएगा। अब एक कढ़ाई के साइड में छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमें और भी 5 से 6 मिनट तक उसको मिक्स करते रहना चाहिए ताकि सारा मॉइस्चर एवोपरेट हो जाए। कटहल का प्रिजर्व बन के रेडी हो गया है। ये साइड भी छोड़ दिया है कढ़ाई का। अभी से मैं सर्विंग डिश में ट्रांसफर करूंगी। जैकफ्रूट प्रिजर्व अथवा कटहल प्रिजर्व बन के रेडी हो गया है। इसे हम 1 साल तक फ्रिज में रख सकते हैं। ये खराब नहीं होती है और इससे बहुत सारे डेलिकेसीज बना सकते हैं, जैसे खीर, अड़ा, और इसे हम वैसे भी खा सकते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट बने हैं। खाइए।